एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको समझा रही थी कि जब हम एक सिंपली डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सिंपली हमारे पास में कन्वर्जन टॉपिक कहलाता है। अब अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है, ये जो कंसेप्ट है, वो डेटा कन्वर्जन को बिलोंग करेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास में दो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक हमारे पास में, ऐसा भी नहीं है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग क्लासेस के, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, यानी कि इनहेरिटेंस हो या ऐसा कुछ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे में जब असाइन करते हैं तो एग्जैक्टली क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वापस से वही है कि हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहे हैं, या मैं यूं कहूँ कि यूजर डिफाइंड टाइप टू, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो हमारे पास में कंसेप्ट है यूजर डिफाइंड टू यूजर डिफाइंड, वो कन्वर्जन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कन्वर्जन में हम एक कंसेप्ट ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे, डेटा कन्वर्जन। टोटल चार हमने अलग अलग तरीके देखे थे कि अगर हम यूजर डिफाइंड टू बेसिक में कन्वर्ट करते हैं, बेसिक टू यूजर डिफाइंड, ठीक है। उन कन्वर्जन में हमने एक ये भी देखा था कि जब हम सिंपली ये कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं यूजर डिफाइंड टू बेसिक, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि हम क्या करते हैं, सिंपली कास्ट ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब किस कन्वर्जन में क्या सिंपली हमें यूज में लेना है, क्या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैंने उसके लिए आपको समझाया भी था कि अगर आप सिंपली क्या करते हैं, अगर आप जैसे कोई भी, लेट्स से कि आपके पास में एक क्लास है और आपने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी वैल्यू आपने 20 असाइन कर दी, और ऐसे ही अगर आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं, ऐसा हमने एग्जाम्पल देखा भी था, ठीक है। तो अब अगर आप ऑब्जेक्ट में असाइन करते हैं इंटीजर वेरिएबल को, आप एक कन्वर्जन याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि आपने क्या फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की थी। तो हमने ये देखा था कि जब हम सिंपली ऑब्जेक्ट में असाइन करते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप की वैल्यू, तो क्या किया था हमने, इसके फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सिंपली जो हमारे पास में नम क्लास थी उसमें हमने वन आर्ग्यूमेंट क्या किया था, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, ठीक है। वहां पर हमने वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या किया था, क्रिएट किया था। ऐसे ही जब हमने इसका रिवर्स कन्वर्जन पढ़ा था, यानी कि आप एक कन्वर्जन याद रख लीजिए, दूसरा आपको इजीली याद हो जाएगा, यानी कि अगर हम इस तरह का कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे थे तो हमने यही काम क्या किया था कि हमने नम क्लास में क्रिएट किया था एक कास्ट ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। क्रिएट कास्ट ऑपरेटर, या सिंपल यूं कहें कि ऑपरेटर फंक्शन इन नम क्लास, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया था, क्रिएट वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इन नम क्लास, ठीक है। तो ये दो इम्प्लीमेंटेशन हमने देखे थे। और अगर मैं लास्ट एग्जाम्पल की बात करूं जहां पर मैंने आपको ये समझाया था, आपको ध्यान हो तो, कि हमने दो अलग अलग क्लासेस ली थी, मिनट्स और सेकेंड, तो मैंने क्या एग्जाम्पल आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, उसके लिए हमने डेटा कन्वर्जन टॉपिक देखा था, ठीक है। तो दो अलग अलग क्लासेस हम बना चुके थे, मिनट्स और सेकेंड्स, ठीक है। तो हमने जब कन्वर्जन परफॉर्म किया था तो हमने देखे ऐसा कुछ लिखा था कि हम सेकेंड क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहे थे मिनट्स क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में मिनट्स तो हमारे पास में सोर्स क्लास थी, क्योंकि इस फंक्शन इसके ऑब्जेक्ट को हम सेकेंड क्लास में असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी थी हमें। तो हमने देखा था कि हमने सेकेंड क्लास में क्या किया था, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, यानी कि जो हमारी सेकेंड नाम की क्लास थी जिसका ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे था, उसमें हमने वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था और इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था। प्लस मैंने ये भी समझाया था कि जो वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है उसमें आपको मिनट्स क्लास का सिंपली, यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, और उसके साथ में ये फंक्शनैलिटी आपको यूज करनी है, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं S1 इक्वल टू M1, तो M1 जो है वो सिंपली क्या होगा, एज अ आर्ग्यूमेंट इस सेकेंड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पास होगा, ठीक है। देन मिनट टू सेकेंड कन्वर्जन परफॉर्म होगा। अब आज की क्लास का अगर हम डिस्कशन कंटिन्यू करें
आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम सेकेंड्स टू मिनट कन्वर्जन करते हैं तो एग्जैक्टली हमें क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, कास्ट ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट करना होगा। अब कैसे, क्या बोला मैंने, देखते हैं। अगेन यहाँ पे दो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट से समझाने के लिए, क्लास ए और क्लास बी, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट वापस से दूसरे में असाइन करेंगे, लेकिन अब इस बार कौन सी क्लास सोर्स होगी और कौन सी क्लास डेस्टिनेशन होगी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हम कन्वर्जन देखने वाले हैं, सिंपली उस केस में हम ये कन्वर्जन देखने वाले हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट्स में, यानी कि ये कन्वर्जन हम परफॉर्म करने वाले। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन दो अलग अलग क्लासेस हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये कन्वर्जन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंपली इसके कमेंट सेक्शन में मैंने यही लिखा है कि यूजर डिफाइंड टाइप टू सिंपली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, देखें क्या किया है हमने प्रोग्राम में, समझते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे मिनट्स नाम की क्लास को पहले क्रिएट किया है। ठीक है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसा प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि मिनट क्लास में एक डेटा मेंबर क्रिएट किया है, वैसा ही। ठीक है, और मिनट्स क्लास में अगेन कंस्ट्रक्टर्स भी मैंने क्रिएट किए हैं, 0 आर्ग्यूमेंट वाला और 1 आर्ग्यूमेंट वाला। ठीक है, लाइकवाइज अब ये कंस्ट्रक्टर्स कब कॉल होंगे, जब सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में तो डेफिनेटली 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अदरवाइज हमारे पास में जो 0 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। कब, अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना करें। ठीक है, अब इसी के अलावा मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे इसी क्लास में यहाँ पर मिनट्स की वैल्यू को फेच करने के लिए, क्योंकि मिनट के लिए यहाँ पर जो मैंने क्लास में डेटा मेंबर बनाया है वो सिंपली क्या है, प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन का पार्ट है, मतलब क्लास के बाहर डेफिनेटली एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बना के, एक्सेसर फंक्शन बना के, और उसको रिटर्न करवाया। इसी के साथ यहाँ पर जो मिनट्स है उनको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात होगी प्रीवियस एग्जांपल जैसा, जो मिनट क्लास वहां पर थी एज इट इज यहाँ पर हमने यूज की उसको। ठीक है, अब सेकेंड्स क्लास की अगर मैं बात करूँ तो अगेन मैंने यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किया है, अगेन 0 आर्ग्यूमेंट वाला, यानी कि कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, इसलिए हम इसको नॉन पैरामीटराइज भी बोल सकते हैं और 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे जो सिंपली एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है वो क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये दो कंस्ट्रक्टर्स मैंने क्रिएट किए हैं और अगेन डिस्प्ले फंक्शन बनाया है ताकि सेकेंड्स की वैल्यू को मैं डिस्प्ले करवा सकूं। ठीक है, तो मैंने मैसेज दिया है सेकेंड्स आर सिंपली उसकी वैल्यू, यानी कि जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी, उसके डेटा मेंबर की वैल्यू डिस्प्ले होगी। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे लास्ट में ये भी प्रिंट करवाया है कि सेकेंड्स मतलब सिंपल हम मिनट्स प्रिंट करवा रहे हैं, सेकेंड्स उसके लिए सिंपल ये स्ट्रिंग मैंने प्रिंट करवाई है। ठीक है, अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर एक ऑपरेटर फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, लेकिन इसको हम बाद में समझते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर और इस क्लास में क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सेकेंड्स की वैल्यू को क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली गेट एस, यानी कि एक्सेसर मेथड क्रिएट किया है। अब यहाँ पर दो अलग अलग क्लासेस हमने प्रीवियस एग्जांपल जैसे क्रिएट कर ली। अब अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कौन सी क्लास डेस्टिनेशन है और कौन सी क्लास सोर्स है। ठीक है, तो अब देखें इस केस में मिनट्स क्लास हमारे पास में M1 ऑब्जेक्ट बना है और S1 ऑब्जेक्ट जो है वो सेकेंड्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये दो टर्म्स इनके सामने डिफाइन की है, लेकिन ये हम कब लिख सकते हैं, जब हम इस स्टेटमेंट को समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, M1 इक्वल टू S1,
तो डेफिनेटली S1 तो सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो S1 जो ऑब्जेक्ट है उसको हम असाइन कर रहे हैं M1 ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस बिहाफ पर हमारे पास में जो सोर्स क्लास हो गई वो तो कौन हुई, सेकेंड क्लास, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट को हम असाइन कर रहे हैं मिनट्स क्लास में। और अगर मैं डेस्टिनेशन क्लास की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारे पास में मिनट क्लास है वो क्या हो गई, डेस्टिनेशन क्लास। तो इस बिहाफ पे मैंने ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब देखें, अगर हम सेकेंड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट्स में, तो सिंपल हमने मैथ्स में जो कंसेप्ट पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो मल्टीप्लाई होता है और उसका अपोजिट होता है सेकंड्स टू मिनट। तो काम तो यहाँ पर भी एक कुछ ऐसा ही किया है मैंने, लेकिन ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा फंक्शन बनेगा वो ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन सी क्लास में बनेगा। तो देखें, इस एग्जाम्पल में हमारे पास में हमने अपने प्रोग्राम में पहले मिनट्स क्लास क्रिएट की है, देन सेकेंड क्लास क्रिएट की है, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल में मैंने यही सेम कंसेप्ट फॉलो किया है, पहले मिनट्स क्लास क्रिएट की है, देन सेकेंड क्लास क्रिएट की है, ठीक है। तो क्लासेस को जिस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमेशा सेकेंड क्लास में ही हम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो सेकेंड क्लास है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो हमने मिनट क्लास क्रिएट की थी, सेकेंड नंबर पे हमने सेकेंड्स नाम की क्लास को क्रिएट किया था, ठीक है। तो अब हर केस में आप देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हमेशा सेकेंड क्लास में ही हम उनको लिख रहे हैं। तो अब इस केस में भी जो जब यहाँ पे सेकेंड का कन्वर्जन होगा मिनट्स में, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हम कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई फॉर्मूला लिखेंगे, वो कहाँ लिखेंगे, सेकेंड क्लास में, ठीक है। सेकेंड क्लास में कहाँ पर हम ऑपरेटर फंक्शन बनाएंगे, इसके लिए ऑपरेटर फंक्शन हमने पहले एक कन्वर्जन में भी देखा था बहुत अच्छे से, तो वही उसी तरह का एक ऑपरेटर फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान होगा प्रीवियस एग्जाम्पल जब हमने पढ़े थे डेटा कन्वर्जन के, तो हमने ऑपरेटर देखा था और देन यहाँ पे इंट कीवर्ड लिखा था, जो कि हमारे पास में एक प्रिमिटिव या मैं यूं कहूँ कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो जब हम सिंपली कन्वर्जन पढ़ रहे थे कि हमें क्या करना था कि हमारे पास में जो कन्वर्जन था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट जो है उसको असाइन कर रहे हैं सिंपल किसमें, किसी प्री डिफाइंड डेटा टाइप में, तो हमने वहां पर भी कास्ट ऑपरेटर फंक्शन बनाया था। यहाँ पर भी हमें कास्ट ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा, और इस केस में इस ऑपरेटर फंक्शन का नेम और अगर मैं रिटर्न टाइप देखूं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, मिनट्स, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मिनट्स क्लास का ऑब्जेक्ट प्लस उसका नाम भी यहाँ पर मिनट्स ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या काम होगा। जब यहाँ पर हम मेन में ये सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे M1 equal to S1, तो देखें क्या होगा, सेकेंड क्लास में जो हमारी सेकेंड नाम की क्लास है उसमें ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा। अब आर्ग्यूमेंट तो ऐसे कुछ पास होगा नहीं, ठीक है, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, यहाँ पर सेकेंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी ने ही यहाँ पर क्या किया है, इसको कॉल किया है। तो देखें इस केस में यहाँ पर अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें तो सेकेंड क्लास के डेटा मेंबर को हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी क्लास का तो ये ऑपरेटर फंक्शन है, तो उसके डेटा मेंबर को तो हम डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं। और उसके डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अभी हमने देखा भी था, यहाँ पर वैल्यू है 120, यानी कि आप इसको ऐसे देखें कि हमारे पास में s1.s कितना है, 120। और ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं m1.m लिखूं तो वो है 20, ठीक है। इस बेसिस पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें इस टर्म को, तो यहाँ पर है हमारे पास में s की वैल्यू कितनी, 120, क्योंकि सेकेंड क्लास के सेकेंड क्लास में ही ये हमारे पास में ऑपरेटर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो 120/60 का जो भी रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले एक्सप्रेशन कंसिडर की जाएगी, ये इवेलुएट होगी, देन इसका जो भी रिजल्ट है उसके बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में एक्सप्रेशन या ये एक टर्म बनेगी,
और इस टर्म का मतलब हमने पहले भी देखा था, इसका मतलब क्या है, ये मिनट्स ना, मिनट्स तो एक क्लास का नाम है और mm क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ब्रैकेट्स में हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यानी कि 120 अपॉन 60 जो हमारे पास में रिजल्ट में आएगा 2। तो अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, मिनट क्लास का सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, मिनट्स क्लास का कंस्ट्रक्टर, जो कि वन आर्ग्यूमेंट है, वन आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। ये देखें यहाँ पर 2 हमने पास किया है, तो मिनट्स क्लास का एक आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। और मिनट्स क्लास के डेटा मेंबर m में, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसी के डेटा मेंबर में m जो है, m नाम का डेटा मेंबर, उसमें क्या असाइन हो जाएगा, 2, ठीक है। और साथ ही रैम में जो ब्लॉक बना, किस नाम से ब्लॉक बना, m नाम से, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या वेरिएबल क्रिएट होता है तो डेफिनेटली ब्लॉक तो बनता ही है रैम में, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। तो अब इस केस में जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसका नाम क्या है हमारे पास में, mm, ठीक है, mm नाम का ब्लॉक क्रिएट हुआ है। और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया है, जो ये ऑब्जेक्ट बना था, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न टाइप भी मिनट्स है और इस फंक्शन का नाम भी मिनट्स ही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटर्न हो जाएगा ये पूरा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू है 2। तो सीधा सा मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, मिनट्स क्लास का, तो जब ये जहां असाइन होगा तो डेफिनेटली उसके फेचिंग एंड पर, यानी कि जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है, यानी कि इस राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अब इस केस में M1 के साथ में जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो M1 का जो M है उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होकर 2 हो चुकी होगी, क्योंकि 2 ही वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुई थी, यहाँ पर एक टेम्प्ररी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था MM नाम से, ठीक है, और उसके साथ कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, टेम्प्ररी ऑब्जेक्ट है लेकिन नेमलेस नहीं है, उसका नाम जरूर है, MM नाम है उस ऑब्जेक्ट का, डेटा मेंबर की वैल्यू है 2। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये ब्लॉक रिटर्न हुआ और किस में जाके असाइन हो गया, M1 में। तो जब हम M1 के डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो सिंपली 2 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखा है कि कितने सेकंड्स में कितने मिनट्स हैं उसके लिए। सबसे पहले मैंने ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, मैंने आपको बताया था गेट एस फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, ताकि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस सेकंड्स को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को मेन में मैं फेच कर सकूँ। क्यों, अगर ऐसा हम ना करें, ये स्टेटमेंट वैसे ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ प्रिंटिंग के लिए ये लिखा है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती थी, और एस क्या है, सेकंड क्लास का हमारे पास में डेटा मेंबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट एरर प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, गेट एस नाम का जो फंक्शन है, जो कि सेकंड क्लास का पार्ट है, सेकंड नाम की क्लास का, तो मैंने लिखा है यहाँ पर उसकी वैल्यू, यानी कि 120 सेकंड्स में कितने मिनट्स होते हैं उसके लिए स्टेटमेंट लिखा है, और एट द एंड जो मिनट्स हैं वो 2 मिनट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी कि मिनट्स क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और डिस्प्ले हो जाएंगे मिनट्स। कंसेप्ट है आज की क्लास का वो है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर डेफिनेटली पॉइंटर की बात हुई और एक ऑब्जेक्ट की बात हुई है, ठीक है। अभी तक हमने सिंपल पॉइंटर देखा था, हमने कभी भी मेन में किसी भी क्लास का पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर नहीं किया था, अभी तक हमने ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसका सीधा सा मतलब ये है कि हम क्या करने वाले हैं, एक पॉइंटर बनाएंगे। अब जो पॉइंटर है वो किसी इंटीजर डेटा टाइप या प्री डिफाइंड डेटा टाइप को बिलोंग ना करके, वो सिंपली पॉइंटर किसी ना किसी
क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ तो पॉइंट कर रहा होगा, या वो क्लास का ही एक पॉइंटर सिंपली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो अलग अलग मैंने अभी टर्म्स बोली, जब हम किसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो पॉइंटर बना रहे हैं, या फिर हम किसी एक पॉइंटर में क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर रहे हैं। ये दो कंसेप्ट अभी हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊं तो सेकंड वाला कंसेप्ट है कि हमने क्लास का एक पॉइंटर बनाया और उसमें उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज अ उसका एड्रेस हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि अब वो जो पॉइंटर है वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है कि जब पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो सिंपली पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कहलाता है कंसेप्ट। ठीक है, अब क्या सिंटैक्स है इसका देख लेते हैं। हमें यहाँ पे लिखना होगा क्लास का नाम, और पॉइंटर क्रिएट करना है तो डेफिनेटली वेरिएबल, तो जो हम लिखते हैं जो भी हमारे पास में आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं लिखने के, वेरिएबल या फिर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जो रूल्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में क्योंकि पॉइंटर है, अगर मैं ये ना लगाऊं तो वह एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब क्योंकि पॉइंटर की तरह क्रिएट करना है उसको, तो डेफिनेटली आपको वैल्यू एट ऑपरेटर या हम यूं कहें कि स्टार सिंबल प्लेस करना जरूरी है। ठीक है, देन आगे कंटिन्यू करें, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देन अगर आगे कंटिन्यू करें तो देखें यहाँ पर है कि हम जो पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें सिंपल इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट में समझने वाली जो बात है वो ये है कि अगर हम पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी क्लास का, और उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या मैं यूं कहूँ कि एड्रेस असाइन करें, नॉट रेफरेंस, तो सिंपली पॉइंटर के साथ हम उस क्लास के डेटा मेंबर्स को, और अगर हम फंक्शंस को एक्सेस करते हैं तो डेफिनेटली हमें ये जो एरो है वो ही यूज करना होगा। यानी कि पॉइंटर के साथ जो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है वो क्या होता है, क्या यूज में आता है, सिंपली एरो सिंबल। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ हम फंक्शन को यूज करते हैं तो डॉट लगता है। अब समझते हैं इस कंसेप्ट को पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा नाम से एक क्लास क्रिएट की है, और क्लास के साथ में मैंने यहाँ पे उसके पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में कुछ फंक्शंस क्रिएट किए हैं। दैट इज सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेटा मेंबर क्रिएट किया है, ठीक है, और एक्सेप्ट और डिस्प्ले दो अलग अलग फंक्शंस क्रिएट किए हैं जो कि डेटा मेंबर की वैल्यू को क्या करेंगे, डिस्प्ले तो डिस्प्ले करवाने का काम करेगा और एक्सेप्ट क्या करेगा, उसका इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मेन की, ठीक है, मेन से ही हमें पता है किसी भी क्लास का क्या होता है, सिंपली ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो उस क्लास को यूज कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेन में डेटा नाम की जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ही क्लास जो होती है वो क्या होती है, मेमोरी में, या मैं यूं कहूँ कि जैसे ही क्लास को हम यूज करना चाहते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करना जरूरी होता है, तो ही क्लास को मेमोरी एलोकेट होती है, अदरवाइज वो क्लास तो सिर्फ एक आपके पास में क्या हो गया, एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब ओबीजे नाम से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो डेफिनेटली रैम में एक ब्लॉक क्रिएट होगा। ठीक है, ब्लॉक क्रिएट हुआ और सिंपली इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस डेफिनेटली कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई डेटा मेंबर या फिर कोई वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो मैंने यहाँ पे लेट्स से उसका एड्रेस लिखा है 100, और सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका नाम है ओबीजे, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, और अभी उसके डेटा मेंबर में कोई भी वैल्यू नहीं है। लेट्स से कि डेटा मेंबर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ओबीजे यहाँ पे डिफाइन होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया ही नहीं है। तो भी मैंने बताया था कि C++ आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है,
अब इस केस में यहाँ पर डेटा मेंबर में अगर हम माने कि कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इनपुट लेने के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है। लेट्स से कि मैंने ए की वैल्यू में इनपुट ले लिया 10, यानी कि जैसे ही एक्सेप्ट फंक्शन हम कॉल करेंगे तो ये मैसेज आएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 10 एज अ वैल्यू इनपुट ले लिया, तो अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर में वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, 10, ठीक है। और जब डिस्प्ले करवाएंगे तो क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ओबीजे है हमारे पास में, और उसी के साथ डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसी की डेटा मेंबर की वैल्यू डिस्प्ले होगी, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो जाएगी, 10, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर हम बात करें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट डिस्कस करने का है पॉइंटर के साथ में किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है, यानी कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टॉपिक। तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिंपली डेटा नाम की जो क्लास है उसका एक पॉइंटर क्रिएट किया है, ठीक है। ये सिंपली क्या है हमारे पास में, पॉइंटर ऑफ डेटा क्लास, यानी कि मैं अगर इस कंसेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर पीटीआर क्या है, इस डेटा क्लास का एक पॉइंटर। और पॉइंटर कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसके पहले एक वैल्यू एट जो सिंबल है वो प्लेस्ड है, जो कि पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंटर है तो अभी तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी रेफरेंस, या मैं यूं कहूँ कि एड्रेस असाइंड नहीं है, ये एक नल, एक ऐसा पॉइंटर है जिसमें अभी तक नल रेफरेंस है, नल एड्रेस है, ठीक है। और आपको ध्यान होगा जब हमने रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल के बीच में डिफरेंस देखा था, तो मैंने ये समझाया भी था कि पॉइंटर को हम जब डिक्लेयर करें तो हम उसको एम्प्टी या नल छोड़ सकते हैं, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के साथ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। टेस्ट में भी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। देन पॉइंटर क्रिएट किया है मैंने, देन उसमें क्या किया है, पीटीआर जो पॉइंटर है उसमें मैंने ओबीजे का एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि हम सिंपल पॉइंटर क्रिएट करते थे किसी प्री डिफाइंड डेटा टाइप का, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेट्स से कोई वेरिएबल ले लिया, A1 के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 40 वैल्यू असाइन कर दी। और ऐसे ही अगर हम पॉइंटर बनाते, लेट्स से कि P नाम से मैंने पॉइंटर क्रिएट किया होता, और अगर हम उसमें A1 का क्या करते, एड्रेस असाइन करते, तो इसका मतलब P अब किसको पॉइंट कर रहा होता, A1 सिंपली वेरिएबल को, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं पॉइंटर के साथ में, तो ऐसे ही कुछ हम क्लास के साथ में देख रहे हैं, तो अगर मुझे, मैं यहाँ पे सिंपल लिखती वैल्यू एट पी, तो क्या होता, A1 की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होती, ठीक है। ऐसे ही मैं A1 लिखती तो भी यहाँ पर दोनों केस में जो रिजल्ट आता वो 40-40 ही आता, ठीक है। ऐसा तो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो है पॉइंटर के साथ किसी ऑब्जेक्ट का कनेक्शन, ठीक है। तो देखें अब इस केस में यहाँ पर तो 40-40 वैल्यू डिस्प्ले हो जाती। अब अगर हम पॉइंटर में इस ओबीजे का एड्रेस असाइन करें, ठीक है, और इन स्टेटमेंट का अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखें ऐसे इसको समझ सकते हैं आप कि हमारे पास में पॉइंटर एक डेफिनेटली क्या बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा रैम में, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, 100, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंटर के अंदर असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट ओबीजे का एड्रेस। तो अब ये जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर लोकेशन को, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। पॉइंटर के अंदर क्या एड्रेस है, 100, और पॉइंटर का भी खुद का कुछ एड्रेस होगा। तो लेट्स से कि पॉइंटर का जो खुद का एड्रेस है, अज्यूम कर रहे हैं लेट्स से कि उसका एड्रेस कितना है, 2000, ठीक है। तो पॉइंटर का खुद का एड्रेस तो है 2000, 2000, और यहाँ पर ये पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहा है, तो 100 इस एड्रेस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल समझने वाली बात यह है कि पॉइंटर के साथ जब हम किसी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहें
तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, मेंबर एक्सिस ऑपरेटर के तौर पर एरो को यूज करना होगा। कब? जब हम पॉइंटर को यूज करते हैं। अगर यही काम ऑब्जेक्ट के साथ करते तो डॉट लगा के एक्सिस करते, और इन दो स्टेटमेंट्स में कोई भी एरर नहीं है। हम ए डेटा मेंबर को डेफिनेटली यहाँ पर मेन में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो ए डेटा मेंबर है वो इस डेटा नाम की क्लास के पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन समझने वाली क्या बात रही कि पॉइंटर के साथ अगर हमें क्या यूज करना है, कोई भी मेंबर, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली एरो यूज करना होगा, यानी कि मेंबर एक्सेसर ऑपरेटर के तौर पर एरो को यूज करना है। ठीक है, लाइकवाइज अगर ऑब्जेक्ट के साथ ये परफॉर्म करते तो डॉट लगाना होता। दोनों के केस में जो रिजल्ट है वो 10 आपको नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू थी डेटा मेंबर की वो कितनी है, 10, और पॉइंटर इसी को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही पॉइंटर के साथ अगर हम एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करना चाहें या डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना चाहें, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के तौर पर एरो को यूज करना होगा। ठीक है, और एक्सेप्ट फंक्शन वापस से क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे मैसेज दिया एंटर अ नंबर, जब एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब अगर यूजर ने वैल्यू दी 20 और ये 20 वैल्यू अगर हम देखें, तो मैं अगर पॉइंटर जो हमने क्रिएट किया था क्लास का उसके साथ अगर हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो भी हमें यहाँ पे वैल्यू 20 ही विजिबल होगी। सेम अगर ऑब्जेक्ट के साथ हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि डॉट लगा के ही एक्सेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली 20 ही वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हुआ कि हमने उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बनाया और उसी क्लास का एक पॉइंटर भी बनाया, और उस पॉइंटर में हमने उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दिया। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हमने ऐसा ही कुछ काम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ में किया था, लेकिन अब हम इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ अगर परफॉर्म करते हैं तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।